elevation of boiling point. हिंदी में कहते हैं इसको उतना ही कहो हमने होता क्या है, अगर आपको पता है कि जो वो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है यानी बेपस है, अगर इसमें आपने चीनी डाल दी तो फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स नहीं देगा, इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और जो टेम्परेचर बढ़ेगा वही टेम्परेचर कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, वेपर्स देता है, अगर इसमें आपने सोयर डाल दी फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर्स नहीं देगा, इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसको ये बोलेंगे क्वथनांक का उन्मूलन। तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे इसे, किसी बिलायत में कोई आवास किसी वैद्युत अनुप्रिय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का नेक्स्ट इसे डेल्टा पीवी से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा पॉइंट डेल्टा पीवी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी को ध्यान रखना मोलैरिटी को होता है, तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे के भी, मोलैरिटी को खोलेंगे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एन इंटू कैपिटल का डेल्टा टीवी क्या है, अच्छा डेल्टा टीवी को एक बार आप खोल सकते हो 2 - 2 ये भी लिख सकते हैं के भी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एन इंटू कैपिटल, ठीक है ना, डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी है क्वथनांक का उन्मूलन, इंग्लिश में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ए बी मोलर उन्मूलन स्थान, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट एम अणुवार ब्रेकअप एंड मॉलिकुलर मास, स्मॉल डब्ल्यू ब्रेकअप और कैपिटल डब्ल्यू ये रहा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा इसका पॉइंट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसे बोलते हैं हाथ का
सेम डेफिनेशन रहती है, केवल इतना करना है किसी ब्लैक में कोई वास किसी वैद्य प्रक्रिया में मिलाना तो उसके मान को जो कमी होती है उसे हिमांक का अवलंबन किया। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल एनर्जी, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम टी एफ मोल एनर्जी स्क्वायर डब्ल्यू इनटू 8000 एम इनटू कैपिटल एन। तो डेल्टा टी एफ क्या है? मांग का अवलंबन। के अवलंबन स्थान है मोलर मोलर अवलंबन स्थान। इसको मतलब ब्लेड का भाग एन अड़ भाग ब्लेड का कैपिटल डब्ल्यू ब्लैक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर दो फॉर्मूला आपको याद रखना। 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसका क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जल के मोल और पूर्ण स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं। तो ये क्या है? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 6 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम। इसका क्वथनांक, क्वथनांक को लिखेंगे डेल्टा टीबी, कितना है? 0.34 डिग्री सेल्सियस। जल के मोलर उन्नयन स्थान की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है? के फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा केवी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी। तो डेल्टा केवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? केवी मोलरिटी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 ओवर एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब डेल्टा टीवी कितना है? 0.34। केवी कितना है? कितना है? स्मॉल डब्ल्यू 6 into 1000। अब प्रश्न होता है एम किसका लिया जाएगा? तो एम उसका लिया जाएगा जो छोटा होगा। छोटा कौन है? ग्लूकोज स्मॉल डब्ल्यू। तो ग्लूकोज लिख सकते हो आप यहाँ ग्लूकोज। एम कितना होगा ग्लूकोज का? 180 निकाल लोगे ना? ऐसे निकालते हैं C6H12O6 एम निकालोगे तो 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 टोटल मिला कितना होगा? 180। एम कितना आ गया? 180। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 0। कैपिटल डब्ल्यू 50। 1 0 से 0 1 0 से 1 0 5 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 9 बार। 3 से काट लो 2 बार। 3 से काट लिए 3 बार। इससे काट लो 0.17 कितना आ गया? 5.9 आंसर। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जबकि मोलर अवलंबन स्थिरांक की एफ की गणना कीजिए। पहले के भी पूछ रहा था, तब के एफ पूछ रहा है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 9 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। डेल्टा टी एफ हिमांक को डेल्टा टी एफ से लिखेंगे 0.93 डिग्री सेल्सियस, जल के मोलर अवलंबन स्थिरांक की एफ की गणना। तो डेल्टा टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? टी एफ स्मॉल डब्ल्यू इंटू 8000 एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ कितना है? 0.93। के एफ कितना है? 13। स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 9 इंटू 1000 एन कितना है? 180। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 100। 2 0 से 0 0 1 0 से 1 0 9 से कितनी बार?
दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1.86 के आसपास। अगला वाला क्वेश्चन है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक को हमने गणना की थी। जल के लिए मोलर होने का स्प्राइम का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इस साल भी आया है, और सन 2000 किसमें आया है, 9 में भी आया है, अरे पिछले साल भी आया था, ठीक है ना, सन 2009 में भी ये क्वेश्चन आया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 6 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 200 ग्राम। अच्छा डेल्टा टी भी निकालना है, डेल्टा टी क्यों निकालना है, क्वथनांक को हमने भी गणना की थी। अच्छा के बी का मान मोलर हमने स्थिरांक कितना दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, लगाइए फॉर्मूला डेल्टा टी वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी। तो डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताएंगे तो क्या लगाएंगे के बी, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 ओवर एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, डेल्टा टी वी कितना है निकालना है, के बी कितना है 0.52 स्मॉल डब्ल्यू 6 इंटू 1000। अब एन भी दिक्कत आएगी, एन किसका लेना, मैंने बताया था छोटे वाले का, यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा NH2CO NH2, नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2 कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 60 के आसपास आएगा, ठीक है ना। कैपिटल डब्ल्यू कितना है तुम्हारा 200, 1 2 3 1 2 3 कट गया ना, 6 से 6 भी चला गया, इससे ये चला जाएगा, भावन क्या देखने होगा 0.26 के चलते